स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो वीडियो का टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो हैक्स जिससे मैंने अपनी हेयर ग्रोथ जर्नी को स्पीड अप किया था और जिससे मुझे बहुत कम टाइम के लिए ऑकवर्ड स्टेज में रहना पड़ा था। बाय द वे, हाय, माय नेम इज मोहित। मैं इस चैनल पे मेंस ग्रूमिंग, मेंस फैशन से रिलेटेड बात करता हूँ। तो अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप और मैं मिलकर एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकें। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट करें हम चलते हैं आज के पहले हैक पे, जो कि है टाई योर हेयर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी आपके बालों को ग्रो आउट करने में, वो है आपके बालों को बांधना। आपके जितने भी बाल बन रहे हैं, जैसे भी बन रहे हैं, जिस भी डायरेक्शन में बन रहे हैं, आप प्लीज़ उन्हें बांधना शुरू कर दो। चाहे छोटी छोटी चोटियों में 3-4 जगह बांधना पड़े, पर प्लीज़ आप अपने बालों को बांधना शुरू कर दो। इससे आपके बालों में वो खिंचाव बना रहेगा जिससे वो ग्रो आउट होने के लिए मजबूर होंगे। उसी के साथ साथ आपके बालों को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलेगी जिसमें वो ग्रो आउट हो सके। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने बालों को ज़्यादा टाइट नहीं बांधते जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन ना रुक जाए और उसी के साथ साथ आपको शॉर्ट टाइम में ही सर दर्द होना शुरू हो जाए। अगर आपके बाल इतने भी लंबे नहीं है कि वो थोड़े इकट्ठे होकर एक चोटी में आ सकें, आपको थोड़े टाइम के लिए पिंस का यूज़ करना चाहिए। आपके जितने भी बाल इकट्ठे हो पा रहे हैं उन्हें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रख के आप पिंस का यूज़ कर सकते हैं। इस हैक ने मेरी खुद की पर्सनली बहुत हेल्प करी थी इनिशियल डेज में, जब मुझे बिल्कुल बड़े बाल रखने की आदत नहीं थी। इसलिए जब भी मुझे कहीं बाहर जाना होता था, मैं अपने बालों को छोटे छोटे पार्टीशंस में डिवाइड करके बांध लेता था जिससे मुझे एक प्रेजेंटेबल लुक मिल सके। अगर आपको हेयर ग्रोथ जर्नी से रिलेटेड मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। मेरा यूजर नेम है मोहित, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। ओके, चलो हम चलते हैं अपने अगले हैक पे, जो कि है डेवलप अ हेयर मसाज रूटीन। अब एक अच्छा हेयर मसाज रूटीन आपके लिए ज़रूरी इसलिए है, आप जितना ज़्यादा अपनी स्कैल्प पे मसाज करोगे उतना ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगा आपकी स्कैल्प पे, और जितना ज़्यादा ब्लड आपकी स्कैल्प पे पहुँचेगा उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वो आपके हेयर को प्रोवाइड करेगा। तो मतलब एक अच्छा हेयर मसाज रूटीन डेवलप कर लो ना। एक अच्छा हेयर मसाज रूटीन आपकी ओवरऑल हेयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के साथ साथ आपको ऑकवर्ड स्टेज में जो इचीनेस और इरिटेशन महसूस होती है उसे भी मिनिमाइज करने में आपकी हेल्प करेगा। ओके, चलो तो हम चलते हैं अपने अगले हैक पे, जो कि है यूज़ हेयर मास्क। अब ये हैक मैंने 95% लड़कों को देखा है कि वो अवॉइड करते हैं। ये एक्टिविटी उन्हें बहुत ज़्यादा फेमिनिन लगती है या वो बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं हेयर मास्क बना के लगाने में। पर इस चीज़ की बेसलाइन यही रहेगी कि हेयर मास्क एक तरीके का मिक्सचर है जो आपके बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। मैंने हेयर मास्क के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, तो उसकी लिंक मैं आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो आप उसे जाके देखो। उस वीडियो में मैंने अपने सारे फेवरेट हेयर मास्क बताए हैं जो मैं खुद लगाता हूँ और जिससे मुझे बेस्ट रिजल्ट्स मिले हैं। हेयर मास्क आपकी अलग अलग हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे डैंड्रफ, इचीनेस, ड्राइनेस, इन सबको टैकल करने के साथ साथ आपकी स्कैल्प को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जो आपकी ओवरऑल हेयर क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो चलो हम चलते हैं अपने अगले हैक पे, जो कि है हैव अ गोल। अब ये हैक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। हमें बाल बड़े करने की सोच तो लेते हैं पर हमें ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें कितने लंबे बाल करने हैं। हमें लड़कियों की तरह मिड बैक तक बाल तो लंबे करने नहीं हैं। अब जब हमें इतने लंबे बाल करने नहीं हैं तो हमारे दिमाग में एक पर्टिकुलर गोल होना चाहिए। मैं शुरुआत से ही हाई मैन बन का फैन रहा हूँ और मैं हमेशा खुद के ऊपर वो विजुअलाइज करता था एंड मैंने वो अचीव कर लिया है। पर इस पूरी जर्नी का सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि मेरे पास एक गोल था जिसके ऊपर मैं लुक अप टू करता था और जो हेयर स्टाइल मैं खुद के ऊपर विजुअलाइज करता था। आप पिंटरेस्ट ऐप पे या गूगल सर्च करके लॉन्ग हेयर हेयर स्टाइल्स फॉर मैन डाल के डिफरेंट हेयर स्टाइल देख सकते हो और इंस्पायर हो सकते हो एंड देन फाइनली जजमेंट करके उसे अपना गोल बना सकते हो जिसे आप लुकअप टू कर सको। ओके, चलो तो हम चलते हैं अपने अगले हैक पे, जो कि हैव पेशेंस। अब लास्ट पॉइंट की तरह अगर आपके पास एक गोल नहीं है कि आपको कितने बाल लंबे करने हैं तो आप इरिटेट हो जाओगे बाल ग्रो आउट करते करते जब तक आपके पास एक डेफिनेट गोल नहीं होगा। इसलिए एक गोल होने के साथ साथ आप में वो पेशेंस डेवलप हो जाता है। इनिशियली आपको अपने बालों को मैनेज करने में दिक्कत आएगी पर एक बार आपने अपने बालों को मैनेज करना सीख लिया तो आप ऑकवर्ड स्टेज में भी बहुत सारी डिफरेंट हेयर स्टाइल्स ट्राई आउट कर सकते हो। बाय द वे, मैंने अपनी ऑकवर्ड स्टेज में कौन कौन सी डिफरेंट हेयर स्टाइल्स ट्राई आउट करी थी उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैं आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो मेक श्योर यू चेक देम आउट। अगर आप इसे लॉजिकली देखें तो आपके बाल ग्रो तो हो ही रहे हैं, चाहे थोड़ी कम रेट पे चाहे थोड़ी ज़्यादा रेट पे।
अगर आपने इस प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू कर दिया तो आपकी हेयर ग्रोथ जर्नी का एक्सपीरियंस और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। एक्सेप्ट करो कि बाल बड़े हो जाने से आपका सिर्फ आउटर लुक चेंज होगा, आपकी बाकी की लाइफ स्टाइल वैसी की वैसी रहेगी। तो पेशेंस रखो, बाल ही तो हैं, बड़े हो जाएंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो बाल बड़े करने की सोच रहे हैं। Until then, I'll see you in the next video. Bye-bye.